जय सियाराम, हरिओम। आजकल न्यूज में धमाल मचा हुआ है कि आर्यन खान को, शाहरुख खान के बेटे को क्लीन चिट मिल गया है। ठीक, क्लीन चिट किसे मिला भैया? कि वो ड्रग्स एक्ट में पकड़ा गया था, 28 दिन जेल में रहा था और वानखेड़े जनाब जो उस समय के जनरल डायरेक्टर थे मुंबई के, महाराष्ट्र के, वो उनका बहुत बहुत नाम हो गया था कि एक मजबूत, एक कद्दावर, एक ईमानदार वो ऑफिसर है एनसीबी का। ठीक है, अब जितनी मीडिया थी उस समय सब के सब उसको क्या कहते हैं कि आर्यन खान को कह रहे थे कि वो लड़का बड़े बाप का बेटा है, स्पॉइल्ड है, 23 साल का लड़का है और तो वो ड्रग्स में था और ऐसी जगह पकड़ा गया था जहाँ की रेप पार्टी चल रही थी। ठीक है, तो उस समय एनसीबी के जोनल डायरेक्टर वानखेड़े और उनके जो जस्ट नेक्स्ट टू ऑफिसर थे ज्ञानेश्वर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उस हिम्मत से, उस ताकत से, उस ईमानदारी से किया था कि सब कुछ सच 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 लग रहा था। भैया, वो सारी चीज़ें अचानक आज झूठी क्यों हो गई? क्यों हो गई झूठी? नवाब मलिक था ना वहाँ का, वो चिल्लाता था ना एक तरफ से कि वो जो है वानखेड़े वो बेईमान है, वो दीत है, वो दैट है, वो बायस्ड है, वो गलत काम कर रहा है, वो करप्ट है, जेल में है। फिर वहाँ उद्धव ठाकरे की सरकार थी तो लोग उद्धव ठाकरे पर बहुत सारी घटनाएं हो गई थी ना कि वो उसका जो होम मिनिस्टर था अनिल देशमुख वो भी जेल में और नवाब मलिक को फिर जेल में, उसका दामाद भी ड्रग एक्ट्स में था वो भी कहीं जेल में। तो कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति परिस्थिति हो गई थी कि सब लग रहा था ठीक ठीक है और देश बहुत सही रास्ते पर जा रहा है। वहाँ वहाँ सत्ता में जो आने वाली थी बीजेपी पार्टी शिवसेना के सहयोग से तो आई नहीं। तो अब ऐसा लग रहा है कि वो तो एनसीबी जो है वो तो केंद्र की एजेंसी है, वो कर रही थी तो उसमें भैया किसका क्या हाथ है, वो तो केंद्र कर रहा है, जो हुआ सो हुआ। और आज भी सरकार महाराष्ट्र की बदली है और भारतीय जनता पार्टी आ गई है सत्ता में। मुख्यमंत्री भले ही दूसरे हों, वो जो जिन्होंने शिवसेना को तोड़ा है जनाब हैं, वो अब तो दरगाहों में भी जाने लग गए हैं। तो ये अचानक से सब कुछ पलट कैसे गया? देखिए, मैं जो यहाँ आया हूँ आज वीडियो बनाने, ये कहने के लिए आया हूँ एक मनीष कश्यप जैसा एक मतलब ज़मीन से जुड़ा हुआ ज़मीनी पत्रकार पर NSA लगा दिया जाता है। कोई चिल्लाता तो नहीं है, कौन सा पत्रकारिता हो गई, कौन सा? इधर रजत शर्मा NDTV वाले रो रहे थे, भैया ये कौन सी दोगली नीति है? रजत शर्मा जी कह रहे थे कि ये जो आर्यन खान है, जब उसको पकड़ा, जब उसको ड्रग पेटलर कहा, जब उसको ड्रग माफिया कहा, जब उसको कहा कि ड्रग से बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से भी इसका संबंध हो सकता है, उसको पकड़ा, उसको बेल नहीं दिया, 28 दिन जेल में रखा, अब क्या हो गया? अब उसे उसी NCB ने क्लीन चिट कैसे दे दिया? भैया, रजत शर्मा मनीष कश्यप के लिए बोल सकते हैं कि उस पर NSA क्यों लगा दिया, कौन सा उसने राष्ट्रद्रोह कर दिया, क्या उसने कर दिया, और एक सरकार नहीं दो दो सरकार उसके पीछे क्यों पड़ गई? क्योंकि वो खुद को राष्ट्रवादी कहता है और वो तमाम मीडिया जो इनकलाब जिंदाबाद मचाए हुए थी उस समय जब आर्यन खान पकड़ा गया था कि ये तो ऐसा ही है, बॉलीवुड ही नशेरी है, एक से एक बॉलीवुड की रेप पार्टी की तस्वीरें आने लगी थी, बड़े बड़े स्टार्स और फूंकते हुए दिखाई देने लग गए थे, तो वो तो देशद्रोही थे ना भाई, वो तो नशे में थे ना, वो तो वीडियो है ना। तो अब अगर आर्यन खान उस समय निर्दोष था तो क्यों पकड़ा, और आज अगर निर्दोष था तो हिसाब मांग रहे हो कि भैया क्यों पकड़ा था, उसकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी, शाहरुख खान पे क्या बीता होगा? मनीष कश्यप जमीन से निकल के तो नहीं आया ना, माँ के कोख से ही पैदा हुआ है ना, उसके भी माँ है ना, रोती हुई दिखाई देती है ना, कोई नहीं बोलने वाला? उस पर NSA किस आधार पे लग गया, क्यों लग गया, किसने लगाया? हैं, वो भागा था क्या पुलिस से?
उसके पीछे कोई अब जो हंगामा मचा हुआ है कि 25 करोड़ शाहरुख खान ने दिए, उसने मांगे, वो करप्ट है, उसका लाइफ स्टाइल बहुत दिस है दैट है, भैया तू करप्ट है, उसे करप्शन पर जांच बढ़ाओ ना। ये दोगली नीति क्यों? मनीष कश्यप पे कुछ नहीं, कुर्की हो गया उसके यहाँ, टेबल कुर्सियाँ मिली, बेंच मिले, क्या मिलेगा उसके यहाँ से? यूट्यूब के पैसे जो अकाउंट में थे, वो पता है क्या क्या करता था उस छोटे छोटे पैसे से? कितने स्कूलों में कंप्यूटर लगा दिए थे उसने? एक आवाज़ को बंद करने के लिए पूरी सत्ता पीछे पड़ जाती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सर आर्यन खान की आर्यन खान को दबाने के लिए या फिर एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए बॉलीवुड के खिलाफ ऐसा हुआ होगा, तो हुआ होगा। तो एजेंसियां जब करप्ट होती हैं तो सबके लिए होती हैं या सत्ता के साथ रहती हैं? तो बोलना चाहिए था ना, जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता नहीं थी तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सत्ता थी, महाराष्ट्र में नहीं थी तो इतना कुछ हो गया क्यों? केंद्र की एजेंसी है भाई, एनएसए लगा दिया, वो भी तो केंद्र की एजेंसी है कि क्या है, पता नहीं मेरे को, बताओ ना। एनएसए क्यों लगा दिया मनीष कश्यप के ऊपर तमिलनाडु की सरकार ने? और कपिल सिब्बल जैसे वकील आने लग गए? अरे भाई क्यों आने लग गए कपिल सिब्बल जैसे वकील? इतनी फीस, इतनी मोटी फीस कहाँ से मिलने लग गई? और आज तक उसको बेल नहीं मिला है, अभी भी वो जेल में मनीष कश्यप। और कल को अगर जेल से बाहर आएगा तो सबके मुंह पे दही जम जाएगी कि भैया क्या हुआ, उसके माइंड सेट का क्या होगा, उसके माँ का दर्द का हिसाब कौन देगा, उसके जो चाहने वाले हैं उसके दर्द का हिसाब कौन देगा, जो बिहार की सत्ता की व्यवस्था में जो जंगल राज है जिसको बदलने के लिए वो आवाज़ उठा रहा था, उस आवाज़ को बंद किया गया, उसका क्या होगा, कौन बोलेगा? किस में इतनी हिम्मत है? हिम्मत की बात नहीं है, आइडियोलॉजी की बात है, दोगलापन की बात है। आप अगर दोगले नहीं हैं तो सच हैं, सच तो बोलना चाहिए, सभी बोलते हैं। और रजत शर्मा जैसे जो कि सांप चुचुंदर पर भी पूरा चैनल उनका चला था, आसमान में सांप उड़ रहा है, वो एक कार चल रही है बिना ड्राइवर के, ये सब दिखाते रहे हैं घंटों, और उसके बाद दिखाते नहीं उसकी टांगें ऐसी होती हैं और ऐसे वो ब्रेक लेता है, ऐसे दिस करता है, तो उस हिसाब से आपने चैनल को खड़ा किया। और आज इतने बड़े आदमी हो गए हैं, अदालत से और प्रधानमंत्री तक के इंटरव्यू लेते हैं, तो इसके पीछे ये जो आर्यन खान के पीछे जो उसके आप चमचई में आ गए हैं और पूरे के पूरे सिस्टम को आप कह रहे हैं कि ख़राब है, तो सबके लिए ख़राब है कि खाली एक आर्यन खान के लिए ख़राब है? मनीष कश्यप के लिए कुछ नहीं, मनीष कश्यप की जो शख्सियत आज है कम से कम आर्यन खान की नहीं है, वो एक हीरो का बेटा है। और कौन सा हीरो, कैसा हीरो जो उसको चाहने वाले हैं, जो कोई फैन हैं, मनीष कश्यप के भी हैं, उसके पूरी दुनिया में है तो उसके पूरे भारत में है। लेकिन एनएसए राष्ट्रद्रोह का जो राष्ट्रद्रोह लगा था उसके ऊपर, आर्यन खान के ऊपर लगा था, नहीं लगा था ना, इसके ऊपर तो राष्ट्रद्रोह लग गया। और आप ही जैसे जो चैनल वाले लोग ने जो कुछ किया था और जो रिपोर्टें दी थी उसके आधार पर ही उसने रिपोर्टिंग करी थी, खुल के कहा था कि भैया अगर ये झूठा है तो पता करो सरकार में हो तुम। और आज उसके बाद भी कितनी घटनाएं हुई ना केरल में, जो बिहारी प्रवासी मजदूरों की हत्या हुई है, अभी आई ने पिछले दिनों रोक लेते ना, उस पर भी खबर कर लेते ना कि एनएसए जो लगाया मनीष कश्यप के ऊपर उसकी क्या गलती थी, उसने तो सच बोला था। सारे के सारे धूर्त हैं, मक्कार हैं और अपने फायदे के लिए बात करते हैं, ये कहने के लिए आया हूँ मैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम जो सच पे खड़े हैं, सच के साथ हैं, वो सच्ची बात बोलें, सच का साथ दें, सच का समर्थन करें, और इसे दुनिया बदलती है, बातें बदलती हैं, नैरेटिव बदलता है। मनीष कश्यप आज जेल में है, हमेशा के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि दुनिया बदलेगी, सत्ता भी बदलेगी, लोग भी बदलेंगे, और ये मीडिया भी तब गुनगान गाने लग जाएगी क्या है, फिर उसके नैरेटिव को सूट करेगा मनीष कश्यप को साथ देना, तो उसको साथ देने लग जाएंगे। अभी रजत शर्मा को सूट कर रहा है शाहरुख खान के बेटे का साथ देना, तो उसके साथ लग गए हैं, और गीत गाए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे हैं, आज का दिखा रहे हैं। भैया जिस एनसीबी ने उसे पकड़ा था, जेल के अंदर ठूसा था, उसके साथ 6 लोगों 8 लोगों को ठूसा था, जिसमें इंपॉर्टेंट नाम है विक्रम चोकर था, अरवाज मर्चेंट था, ये आर्यन खान थे, उसमें से 6 लोगों को अभी सुना है मैंने कि वो निर्दोष हैं, वो उसमें उसने ऐसा अपराध नहीं किया है कि उसका नाम चार्जशीट में भी लिखा जाए। तो भैया ये जो 25 करोड़ की बात हो रही है कि शाहरुख खान ने दिए होंगे, तो 100 करोड़ भी दे सकता है, 1000 करोड़ भी दे सकता है, नैरेटिव अपने हिसाब से बदल सकता है, क्यों नहीं बदल सकता है? बहुत पैसे हैं उसके पास और पूरा तंत्र है उसके पास, बड़े बड़े मीडिया हैं उसके साथ, और वो तंत्र जो है ज़रूरी नहीं है कि उसे पैसे लेके करे।
वो जहाँ भी हिंदू है, जहाँ राष्ट्र है, जहाँ सनातन शब्द है, जहाँ वो उठते हुए दिखते हैं, आमतौर से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदुओं की पार्टी है, सनातनों की पार्टी है, हिंदू राष्ट्र चाहती है और ऐसा एक माइंडसेट है, जबकि ये बिल्कुल गलत है, निराधार है। जितना ज़्यादा एपीचमेंट, जितना ज़्यादा तुष्टिकरण और इस्लामीकरण के मुहाने पर भारतीय जनता पार्टी ले आई है, किसी ने ऐसा नहीं किया था। तो ये एक माइंडसेट है, लेकिन फिर भी लड़ना है उनको। पूरी तरीके से वही सत्ता चाहिए जो राष्ट्र का विनाश कर सके, हिंदू सनातनियों को मिट्टी में धूल दूषित कर सके। तो मैं बहुत ही खुले रूप से ये कहता हूँ कि आर्यन खान अगर पहले निर्दोष था और आज उसको निर्दोष साबित किया गया, लेकिन फिर भी वो पकड़ा गया, फिर भी जेल में रहा, 28 दिन जेल में रहा, तो पिछले महीनों से 3 महीने से ऊपर हो गए मनीष कश्यप जेल में है, इसका हिसाब भी लोगों को देना पड़ेगा। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर सच है, सच के साथ हैं, तो सच के साथ खड़े रहिए और अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो पे जरूर दीजिए, हो सकता है तो शेयर भी कीजिए। तो आज के लिए जय सियाराम, हरिओम।